रोहित, मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं पाऊंगा। पता नहीं कितना प्रेशर मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत। मैं हूं चित्र। सब जीत के दिखा। कहा मैं लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। बीच में कहीं हम तुम्हारे साथ एक गेम खेल। खोर की बनना है तू? और फिलहाल तो जुम्बा वाली बीबी इतने आ रही है, उस वास्ते ना स्पेस खाली करना है। अगर मुझे मौका मिलता, अरे सिंघम होता मैं। सिंघम नमस्ते अंकल। भगवान में तो मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मान। बोलने के बाद क्या फायदा? आखिर क्या है थैंक गॉड के स्टार्स की फीस? क्या जरीब गर ले गए बजट का आधा हिस्सा? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? क्यों घिरी फिल्म कॉन्ट्रोवर्सीज में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से जहां फिल्म लासिंग चड्ढा, रक्षाबंधन और ब्रह्मास्त्र को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला, वहीं अब वैसा ही गुस्सा लोगों में थैंक गॉड के लिए है। बीते दिनों इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, लेकिन आते ही बॉयकॉट होने लगा, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से चित्रगुप्त बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया है, यमराज के बारे में कुछ मजाकिया बातें कर रहा है, तो ये मॉडर्न चित्रगुप्त लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आपको बता दें, अजय देवगन की इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रघुप्रीत सिंह और नोरा फतेही भी है। फिल्म का बजट है 60 से 70 करोड़, लेकिन फिल्म के बजट का आधा हिस्सा तो अजय देवगन ही ले गए। आपको बता दें, अजय देवगन की फीस है पूरे 35 करोड़, जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, रघुप्रीत सिंह ने फिल्म के लिए 3 करोड़ और नोरा ने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है वो अयान कपूर का है, रकुल उनकी पत्नी बनी हुई है रूही कपूर, जबकि अजय देवगन बने हैं चित्रगुप्त। इसके अलावा कॉमेडियन कीकू शारदा, सीमा पाहवा और नूरा फतेही भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। थैंक गॉड का एक गाना मनी के रिलीज हो चुका है, जिसे योहानी ने आवाज दी है और नोरा और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री फिल्म में देखने लायक लग रही है। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको थैंक गॉड का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने लुक की वजह से सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए हैं। फोटो में अजय देवगन काफी बदले अंदाज में नजर आ रहे हैं। अजय की इस फोटो को फैन क्लब ने शेयर किया। जहां तक अजय की वायरल हो रही फोटो की बात करें, तो उसमें अजय देवगन की लंबी दाढ़ी का चर्चा विषय बना हुआ है। अजय का ये लुक सामने आने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये लुक अपनी अगली फिल्म थैंक गॉड के लिए बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में अजय देवगन को लुक कैसा होगा, इसलिए उन पर कई तरह के डिजाइन ट्राई किए गए, लेकिन आखिरी में सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी वाला ये लुक फाइनल किया गया है। आपको बता दूं कि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं इंदर कुमार। दोस्तों, देखा जाए तो अजय देवगन नए लुक में काफी हैंडसम लग रहे हैं। फैंस और सेलेब्स उनकी इस लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन ने इस लुक की काफी तारीफ की है। बात करें अजय देवगन की वर्क फ्रंट की, तो अजय देवगन जल्द ही रुद्र दी एज ऑफ डार्कनेस सीरीज में नजर आएंगे। ये उनका पहला डिजिटल डेब्यू होगा। ये सीरीज ब्रिटिश वेब सीरीज लूथर की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। सीरीज में अजय देवगन मूल सीरीज में जो रोल इद्रिस एल्बा ने किया था वो निभाने वाले हैं। इसके साथ ही ईशा देओल भी इस फिल्म में नजर आएंगी। देखा जाए तो साथ ही साथ फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भी तैयार है रिलीज होने के लिए। इस फिल्म में अजय देवगन भारतीय वायुसेना के जाबाज विजय कार्णी की कहानी दिखाई जाएगी।
इसमें अजय देवगन लीड कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे। ये फिल्म 13 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो RRR और मेडी भी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेल, आपको कैसा लगा ये अजय देवगन का न्यू लुक? वेल, मुझे तो काफी इम्प्रेसिव लगा। आपको पसंद आई या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं आऊंगा। पता नहीं कितना प्रेशर मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है YD यमदूत। मैं हूं चित्र सर। जीत के दिखा काम है लोगों का पाप और पुण्य का हिसाब करना। बीच में कहीं थैंक गॉड के नए गाने मनिके ने कैसे मचाई तबाही। आखिर नोरा के डांस मूव्स कैसे आपका दिल जीत लेंगे? क्या है गाने की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिकल जयाल। दोस्तों, फाइनली थैंक गॉड का गाना मनिके रिलीज हो चुका है और इस गाने को सुनकर आपको योहानी का वो वीडियो जरूर याद आएगा जो कि कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था और मेकर्स ने इसका अच्छा खासा फायदा उठा दिया है। पूरा का पूरा गाना हिंदी में बना डाला और ये गाना वाकई मैजिकल है। आपको बता दें, गाने में नोरा और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री देखने लायक है। जहां नोरा बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही है वाइट आउटफिट में, वहीं सिद्धार्थ भी वाइट कपड़ों में काफी ज्यादा स्टनिंग लग रहे हैं। अजय देवगन गाने में नजर आ रहे हैं। गाने का वॉइस दी है योहानी ने, जो कि रियल सिंगर है इस गाने की, श्रीलंकन सिंगर है। जुबीन नौटियाल ने एक अलग तरह की अपनी गायकी को पेश किया है। गाना तनिष्क बख्शी ने कंपोज किया है और गाना वाकई फिल्म की जान होने वाला है। आपको बता दें, फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ जो कि एक अलग कहानी लेकर आ रहा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया 2000 से 2010 तक जो मूवीज आती थी उस एरा को याद किया और कहीं ना कहीं ये फिल्म उसी का टच देती हुई नजर आ रही है। हल्की फुल्की कॉमेडी थ्रिल है फिल्म में और फिल्म सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। थैंक गॉड में सिद्धार्थ होने वाले हैं, साथ ही रकुल प्रीत सिंह होंगी और होंगी अजय देवगन। अजय देवगन रकुल की ये तीसरी फिल्म है साथ में। इसे पहले साथ में दे दे प्यार दे और साथ ही कर चुके हैं रनवे 34, ये इनकी तीसरी फिल्म है। साथ ही सिद्धार्थ और रकुल प्रीत पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कमेंट्स के भरमार है, म्यूजिक बहुत पसंद आ रहा है सभी को, ये गाना दिल छूने वाला लगा और प्रेजेंटेशन गाने की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कई यूजर लिखते हुए नजर आए कि जुबीन की आवाज़ और योहानी की आवाज़ ने इस गाने को और भी ज़्यादा मैजिकल बना दिया है। फाइनली ये गाना रिलीज हुआ और सभी को इस गाने का इंतजार था। वही दोस्तों, नोरा फतेही के डांस मूव सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। काफी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी उनके मूव्स हैं और सिद्धार्थ और नोरा की केमिस्ट्री गाने पर चार चांद भी लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा, जितना सुपरहिट ये गाना नजर आ रहा है उतनी सुपरहिट ये फिल्म होती है या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें, थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज होते हुए थोड़ी सी ट्रबल में भी फंसी है क्योंकि इसमें दिखाया गया है जो कुछ भी वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसीलिए फिल्म को जमकर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है ये ट्रोलिंग इस फिल्म की जान भी बन जाए और सब इस फिल्म को देखने जाएं। आपको कैसा लगा ये गाना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। बंद।
गुस्सा जीत के दिखा। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। किस गाने में नजर आएगी सिद्धार्थ मल्होत्रा और नोरा की केमिस्ट्री? किसकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ है मनी के गाना? कैसा रहा श्रीलंकन सिंगर युहानी का एक्सपीरियंस? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीटेक स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। जब भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में सुर्खियां बटोरती है तब उनकी सारी फीमेल फैंस हर एक अपडेट जानने के लिए तरसती रहती है, और जैसा ही अपडेट मिलती है उनका पहला रिएक्शन होता है थैंक गॉड। वैसे आज हम आपको तो खबर देने वाले हैं वह इस फिल्म से जुड़ी है, इसलिए सोचा थोड़ा सा हटके इंट्रोडक्शन दे दे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह फिल्म थैंक गॉड के साथ 25 अक्टूबर को दस्तक देने वाले हैं, उसी से जुड़ी एक खबर रिवील हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिल्म में हॉट नोरा फतेह स्पेशल अपीयरेंस देने वाली है, और वह जिस गाने के साथ एंट्री लेंगी वह भी एक मशहूर गाना है जिसने हमने लॉकडाउन के दौरान कई बार सुना है। गाने का नाम है मनीके। जी हाँ, श्रीलंकन सिंगर युहानी का यह गाना और उनका आवाज काफी पॉपुलर हो चुका था, जो इस फिल्म में एक बॉलीवुड वर्जन में सुनाई देगा। और अब यह गाना आउट हो चुका है, और यह साथ ही गाने में दिखाई देने वाले हैं सिद्धार्थ और नोरा का लुक भी वायरल हो रहा है। इसमें दोनों ही व्हाइट अटायर में नजर आ रहे हैं और एक सिज़लिंग केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। यह लुक रिवील होते ही ऑडियंस एक्साइटेड हो रही है सिद्धार्थ और नोरा को एक साथ देखने के लिए। इस खुशी को जाहिर करते हुए सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें कैप्शन में लिखा कि अयान कपूर सच में टेम्पटेशन का शिकार हो चुका है। आपको बता दें कि अयान सिद्धार्थ के किरदार का नाम है। वैसे इस गाने के लिए युहानी के साथ साथ जुबीन नोटियाल और सूर्या रघुनाथन ने भी अपनी आवाज दी है। इस गाने को कंपोज किया है तनिष बागची और चामत संगीत ने। वैसे इस गाने को लेकर युहानी बेहद खुश है और एक्साइटेड है इस बॉलीवुड वर्जन को पर्दे पर देखने और सुनने के लिए। फिल्म की बाकी कास्ट यानी रकुल प्रीत और अजय भी शूटिंग में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि रकुल और अजय का दे दे प्यार दे और रनवे 34 की बात यह थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ ही रकुल और सिद्धार्थ की भी अयारिया और मजावा फिल्म के बाद यह थर्ड कोलैबोरेशन है। किस फिल्म का डायरेक्ट कर रहे हैं टोटल धमाल फेम्स इंद्र कुमार के साथ कॉमेडी जनरेशन की फिल्म लिए काफी मेहनत ले रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है टी सीरीज फिल्म्स एंड मारुति इंटरनेशनल प्रोडक्शन के साथ। तो तैयार हो जाइए अजय, रकुल और सिद्धार्थ के फैंस 25 अक्टूबर को दिवाली के त्योहार पर फिल्म को एंजॉय करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। कैसा है सिद्धार्थ मल्होत्रा का फर्स्ट लुक? किसने शेयर किया सिद्धार्थ का फर्स्ट लुक? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक गॉड, कुछ इसी तरह के शब्द होंगे उन सारी लड़कियों के, फीमेल्स फैंस के, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक झलक पाने के लिए तरसती रहती हैं। अब बंदा है ही इतना डैशिंग एंड कूल कि कोई कैसे रोक पाए। वैसे सिद्धार्थ के करियर की गाड़ी शेरशाह फिल्म ने इस तरह से दौड़ाई कि बस पूछिए मत। करण जौहर के फिल्म से डेब्यू करने वाले सिद्धार्थ अब उन्हीं के शो में आराम से एक ऑरा कैरी करते हुए, करण से बातें करते हुए भी नजर आए। अब बंदे ने इतनी सक्सेस जो हासिल की है। वैसे उनके किट में आकर गिर चुकी फिल्म थैंक गॉड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर रिवील हुई है। खबर या यूं कहिए कि उनका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। अब जिस दिन से फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी और चल रही थी, तब से लोगों का ध्यान सिद्धार्थ के लुक, उनके किरदार की तरफ ही था, और अब उनकी तमन्ना पूरी हो चुकी है।
वैसे उनके फर्स्ट लुक के बारे में जानकारी दी है इंडियन फिल्म क्रिटिक करण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर। इसमें उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें सिद्धार्थ एक इंटेंस लुक के साथ नजर आ रहे हैं, पर पता नहीं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बॉल्स उनके आसपास हवा में उड़ रहे हैं, पर ये कोई मामूली बॉल्स नहीं है। उस पर जो शब्द लिखे हैं उसमें हमें पता चलेगा कि इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या दिखाई देने वाला है। वो शब्द है प्राइड, लस्ट, डिल्यूजन, जेलसी, एंगर और ग्रीड, मतलब कि अभिमान, लालच, भ्रम, जलन और गुस्सा। अब हर इंसान के अंदर ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मात्रा में होती ही हैं। वैसे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म में हमें इन सारी चीजों का एक मिक्सचर दिखाई देगा, जिससे कॉमेडी होगी तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, काफी उलझनें पैदा होंगी। जैसे कि ये फिल्म एक सोशल कॉमेडी पर बेस्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे ही, और इसी से क्रिएट होगा एक कॉमेडी ड्रामा। मतलब सिद्धार्थ कहना चाहते हैं कि मैं इन सब के बीच में फंस चुका हूँ और मेरी लाइफ कुछ और ही मोड़ ले चुकी है। दोस्तों वैसे इसमें सिद्धार्थ अकेले ही नहीं है, बल्कि अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह भी उनका साथ निभाएंगे। वैसे अजय का फर्स्ट लुक भी रिवील हो चुका है, जिसमें वो एक गोल्ड कुर्सी या अलग तरह के सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं। आंखों पर काला चश्मा, थोड़ी सी दाढ़ी, ब्लैक कलर के अटायर में अजय एकदम डैशिंग लग रहे हैं। मतलब एक के बाद एक ऐसे धमाके होते रहेंगे। फिर रकुल प्रीत का लुक रिवील होगा और चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार, जो टोटल धमाल, धमाल, डबल धमाल, ग्रैंड मस्ती जैसी कॉमेडी फिल्मों के लिए पॉपुलर है। वैसे इन फिल्मों ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है ये तो हम सभी जानते ही हैं, पर इंद्र कुमार कॉमेडी जॉनर के मास्टर हैं और उस खेल के पुराने खिलाड़ी भी। हाँ तो वो सिद्धार्थ, रकुल और अजय को अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इस जॉनर में खुद को ढालने के लिए। तो देखते हैं अब 25 अक्टूबर 2022 को इनकी तैयारी का नतीजा क्या निकलता है, इसके लिए क्या करना होगा आपको। जी हाँ, इंतजार, इंतजार और बस और बस इंतजार। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं आऊंगा, पता नहीं कितना प्रेशर मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत, मैं हूँ चिरसर जीत के दिखा लोगों। इस गाने में नजर आएगी सिद्धार्थ मल्होत्रा और नोरा की केमिस्ट्री, किसकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ है मानिके गाना। कैसा रहा श्रीलंकन सिंगर युहानी का एक्सपीरियंस? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों जब भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में सुर्खियां बटोरती है तब उनकी सारी फीमेल फैंस हर एक अपडेट जानने के लिए तरसती रहती है, और जैसे ही अपडेट मिलती है उनका पहला रिएक्शन होता है थैंक गॉड। दोस्तों वैसे आज हम आपको जो खबर देने वाले हैं ना वो इसी फिल्म से जुड़ी हुई है, इसीलिए सोचा थोड़ा हट के इंट्रोडक्शन दे दे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड के साथ 25 अक्टूबर को दस्तक देने वाली है, उसी से जुड़ी एक खबर रिवील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले जानकारी के लिए कि फिल्म में हॉट नोरा फतेही स्पेशल अपीयरेंस देने वाली है, और वो जिस गाने के साथ एंट्री लेगी वो भी एक मशहूर गाना है जिसे हमने लॉकडाउन के दौरान कई बार सुना है, तो गेस करिए। अच्छा नहीं कर पाए तो हम बताते हैं, गाने का नाम है मानिके। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकन सिंगर युहानी का ये गाना और उनकी आवाज काफी पॉपुलर हो चुकी थी, जो इस फिल्म में एक बॉलीवुड वर्जन में सुनाई देगी, और अब ये गाना आउट हो चुका है, और साथ ही गाने में दिखाई देने वाले सिद्धार्थ और नोरा का लुक भी वायरल हो रहा है। दोस्तों इसमें दोनों ही व्हाइट अटायर में नजर आ रहे हैं और एक सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाई दे रही है।
ये लुक रिवील होते ही ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो रही है सिद्धार्थ और नोरा को एक साथ देखने के लिए। दोस्तों इस खुशी को जाहिर करते हुए सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि अयान कपूर सच में कंपटीशन का शिकार हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि अयान सिद्धार्थ के किरदार का नाम है। वैसे इस गाने के लिए युहानी के साथ साथ जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन ने भी अपनी आवाज दी है। इस गाने को कंपोज किया है तनिष्क बागची और चामत संगीत ने। वैसे इस गाने को लेकर युहानी बेहद खुश है और एक्साइटेड है इस बॉलीवुड वर्जन को पर्दे पर देखने और सुनने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की बाकी कास्ट यानी रकुल प्रीत और अजय भी शूटिंग में व्यस्त हैं। आपको बताते चलें कि रकुल और अजय का दे दे प्यार दे और रनवे 34 के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ ही रकुल और सिद्धार्थ का भी अय्यारी और मरजावा फिल्मों के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं टोटल धमाल फेम इंदर कुमार जो इस कॉमेडी जॉनर के फिल्म के लिए काफी मेहनत दे रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है टी सीरीज फिल्म्स एंड मारुति इंटरनेशनल प्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अजय रकुल और सिद्धार्थ के फैंस 25 अक्टूबर को दिवाली के त्योहार पर इस फिल्म को एंजॉय करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं पाऊंगा। पता नहीं कितना प्रेशर है मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत। मैं हूं चिर सचित दिखा। काम है लोगों का पाप और पुण्य का हिसाब करना। बीच में कहीं हम तुम्हारे साथ एक गेम। किस गाने में नजर आएगी सिद्धार्थ मल्होत्रा और नोरा की केमिस्ट्री? किसकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ है मानिके गाना? कैसा रहा श्रीलंकन सिंगर युहानी का एक्सपीरियंस? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों जब भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में सुर्खियां बटोरती हैं, तब उनकी सारी फीमेल फैंस हर एक अपडेट जानने के लिए तरसती रहती है। और जैसे ही अपडेट मिलती है उनका पहला रिएक्शन होता है थैंक गॉड। दोस्तों वैसे आज हम आपको जो खबर देने वाले हैं ना, वो इसी फिल्म से जुड़ी हुई है, इसीलिए सोचा थोड़ा हट के इंट्रोडक्शन दे दे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड के साथ 25 अक्टूबर को दस्तक देने वाली है। उसी से जुड़ी एक खबर रिवील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले जानकारी के लिए कि फिल्म में हॉट नोरा फतेही स्पेशल अपीयरेंस देने वाली है और वो जिस गाने के साथ एंट्री लेगी वो भी एक मशहूर गाना है जिसे हमने लॉकडाउन के दौरान कई बार सुना है। तो गेस करिए। अच्छा नहीं कर पाए तो हम बताते हैं, गाने का नाम है मानिके। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकन सिंगर युहानी का ये गाना और उनकी आवाज काफी पॉपुलर हो चुकी थी जो इस फिल्म में एक बॉलीवुड वर्जन में सुनाई देगी। और अब ये गाना आउट हो चुका है और साथ ही गाने में दिखाई देने वाले सिद्धार्थ और नोरा का लुक भी वायरल हो रहा है। दोस्तों इसमें दोनों ही व्हाइट अटायर में नजर आ रहे हैं और एक सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। ये लुक रिवील होते ही ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो रही है सिद्धार्थ और नोरा को एक साथ देखने के लिए। दोस्तों इस खुशी को जाहिर करते हुए सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि अयान कपूर सच में कंपटीशन का शिकार हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि अयान सिद्धार्थ के किरदार का नाम है। वैसे इस गाने के लिए युहानी के साथ साथ जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन ने भी अपनी आवाज दी है। इस गाने को कंपोज किया है तनिष्क बागची और चामत संगीत ने।
वैसे इस गाने को लेकर योहानी बेहद खुश है और एक्साइटेड है इस बॉलीवुड वर्जन को पर्दे पर देखने और सुनने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की बाकी कास्ट यानी रकुल प्रीत और अजय भी शूटिंग में व्यस्त है। आपको बताते चले कि रकुल और अजय का दे दे प्यार दे और रनवे 34 के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ ही रकुल और सिद्धार्थ का भी अय्यारी और मरजावा फिल्मों के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं टोटल धमाल फेम इंदर कुमार, जो इस कॉमेडी जॉनर की फिल्म के लिए काफी मेहनत ले रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है टी सीरीज फिल्म्स एंड मारुति इंटरनेशनल प्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अजय रकुल और सिद्धार्थ के फैंस 25 अक्टूबर को दिवाली के त्योहार पर इस फिल्म को एंजॉय करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। जाऊं क्या, प्रैक्टिस कर रहा हूं। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। क्या डायरेक्टर इंद्र कुमार ऑडियंस को खुश करने के लिए बदल देंगे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को? कौन से जॉनर पे बेस्ड होने वाली है ये फिल्म और आखिर कौन सी हसीना का कातिलाना अंदाज देखने को मिलेगा हम लोगों को इस फिल्म में? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों समझदार को ना इशारा ही काफी होता है। बस कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स और डायरेक्टर्स का। अब देखिए ना, जब से मेकर्स को ये पता चला है कि ऑडियंस कुछ भी ऐसा वैसा हल्का फुल्का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब से मेकर्स ने अच्छे कंटेंट पर काम करना और ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे में तो यही लगता है कि बॉयकॉट शब्द का ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। अरे ये चीज तो बॉयकॉट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बॉयकॉट से ना दूरी रखना पसंद करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले। अरे भाई सबका खाना पीना मतलब हराम कर रखा है शब ने। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाली हूँ उस फिल्म का नाम है थैंक गॉड। फिल्म का ही नाम है थैंक गॉड, ये कोई डायलॉग नहीं है मेरा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों फिल्म का टाइटल थैंक गॉड और फिल्म की स्टार कास्ट सुन के तो यही लगता है कि फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फिल्म में जो स्टार कास्ट हमें नजर आने वाली है उसमें से अजय देवगन और रकुल प्रीत ऑलरेडी एक फिल्म दे दे प्यार दे और इनफैक्ट रनवे 34 में भी काम कर चुके हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी अय्यारी में काम कर चुके हैं। तो मतलब इन स्टार्स का आपस में कंफर्ट लेवल तो काफी ठीक ही होगा और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी स्टार कास्ट खुश भी है फिल्म की स्क्रिप्ट सुन के। वैसे स्क्रिप्ट से मुझे याद आया कि वैसे तो ये फिल्म 29 जुलाई 2022 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डायरेक्टर इंद्र कुमार अभी इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। देखिए इंद्र कुमार ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए जाने हैं और ये फिल्म बेस्ड होगी कॉमेडी जॉनरा पे। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो एक्शन और ड्रामा फिल्में काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कॉमेडी फिल्मों की तो बात ही अलग है। उनका यही कहना था कि पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा दर्शकों को अट्रैक्ट किया है कॉमेडी फिल्म्स ने, इसीलिए आप लोग थैंक गॉड की एक अच्छी सी एंटरटेनिंग सी फुल ऑन कॉमेडी स्टोरी देखने के लिए हो जाइए तैयार। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कह रहे थे कि वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो जनता को थिएटर्स के पास खींच के ले आए। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर ये भी दे दूं कि हमें इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करती नजर आने वाली है नोरा फतेही।
जी हाँ दोस्तों, वैसे किस गाने पे आखिर वो अपना कातिलाना अंदाज दिखाएंगी, बताया आप लोगों को? अरे नहीं भी पता है तो मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। दरअसल लॉकडाउन में जो एक गाना फेमस हुआ था, मन के मगा हिते, जी हाँ, जिससे सिंगर युहानी भी काफी पॉपुलर हो गई थी। भैया गाना फुल ऑन ट्रेंड किया था। दोस्तों आप सोचिए जरा, इस गाने के बॉलीवुड वर्जन पे हमें नोरा फतेही अपने जलवे दिखाती हुई नजर आए। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। अब जिस तरीके से नोरा फतेही लोगों की नजरों पे छा रही है, उससे तो यही लगता है कि उनका फिल्म में होना फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे खबरें तो ये भी है कि इस गाने में हमें नोरा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आ सकते हैं नजर। अब सिद्धार्थ के पीछे तो लड़कियां वैसे ही दीवानी है, तो जरा सोचिए ना, इन दोनों की ये जोड़ी मिलकर आखिर क्या धमाल मचाएगी फिल्म में। वैसे आप लोग ज्यादा मत सोचिए, बस इंतजार कीजिए 24 अक्टूबर का। जी हाँ, दिवाली का वो मौका जहाँ आप लोग थैंक गॉड की टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। क्या डायरेक्टर इंद्र कुमार ऑडियंस को खुश करने के लिए बदल देंगे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को? कौन सी जॉनरा पे बेस्ड होने वाली है ये फिल्म और आखिर कौन सी हसीना का कातिलाना अंदाज देखने को मिलेगा हम लोगों को इस फिल्म में? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों समझदार को ना इशारा ही काफी होता है। बस कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स और डायरेक्टर्स का। अब देखिए ना, जब से मेकर्स को ये पता चला है कि ऑडियंस कुछ भी ऐसा वैसा हल्का फुल्का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब से मेकर्स ने अच्छे कंटेंट पर काम करना और ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे में तो यही लगता है कि बॉयकॉट शब्द का ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। अरे आई मीन ये चीज तो बॉयकॉट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बॉयकॉट से ना दूरी रखना पसंद करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले। अरे भाई, सबका खाना पीना मतलब हराम कर रखा है शब्द ने। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाली हूँ उस फिल्म का नाम है थैंक गॉड। आई मीन फिल्म का ही नाम है थैंक गॉड, ये कोई डायलॉग नहीं है मेरा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों फिल्म का टाइटल थैंक गॉड और फिल्म की स्टार कास्ट सुन के तो यही लगता है कि फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फिल्म में जो स्टार कास्ट हमें नजर आने वाली है उसमें से अजय देवगन और रकुल प्रीत ऑलरेडी एक फिल्म दे दे प्यार दे और इनफैक्ट रनवे 34 में भी काम कर चुके हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी अय्यारी में काम कर चुके हैं, तो मतलब इन स्टार्स का आपस में कंफर्ट लेवल तो काफी ठीक ही होगा। और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी स्टार कास्ट खुश भी है फिल्म की स्क्रिप्ट सुन के। इस स्क्रिप्ट से मुझे याद आया कि वैसे तो ये फिल्म 29 जुलाई 2022 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डायरेक्टर इंद्र कुमार अभी इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। देखिए इंद्र कुमार ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए जाने हैं और ये फिल्म बेस्ड होगी कॉमेडी जॉनरा पे। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो एक्शन और ड्रामा फिल्में काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कॉमेडी फिल्मों की तो बात ही अलग है।
उनका यही कहना था कि पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा दर्शकों को अट्रैक्ट किया है कॉमेडी फिल्म्स ने, इसीलिए आप लोग थैंक गॉड की एक अच्छी सी एंटरटेनिंग सी फुल ऑन कॉमेडी स्टोरी देखने के लिए हो जाइए तैयार। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कह रहे थे कि वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो जनता को थिएटर्स के पास खींच के ले आए। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर ये भी दे दूं कि हमें इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करती नजर आने वाली है नोरा फतेही। जी हाँ दोस्तों, वैसे किस गाने पे आखिर वो अपना कातिलाना अंदाज दिखाएंगी पता है आप लोगों को? अरे नहीं भी पता है तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। दरअसल लॉकडाउन में जो एक गाना फेमस हुआ था मन के मगा हिते, जी हाँ, जिससे सिंगर युहानी भी काफी पॉपुलर हो गई थी, भैया गाना फुल ऑन ट्रेंड किया था। दोस्तों आप सोचिए जरा, इस गाने के बॉलीवुड वर्जन पे हमें नोरा फतेही अपने जलवे दिखाती हुई नजर आई। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। अब जिस तरीके से नोरा फतेही लोगों की नजरों पे छा रही है उससे तो यही लगता है कि उनका फिल्म में होना फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे खबरें तो ये भी है कि इस गाने में हमें नोरा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आ सकते हैं नजर। अब सिद्धार्थ के पीछे तो लड़कियां वैसे ही दीवानी है, तो जरा सोचिए ना इन दोनों की ये जोड़ी मिलकर आखिर क्या धमाल मचाएगी फिल्म में। वैसे आप लोग ज्यादा मत सोचिए, बस इंतजार कीजिए 24 अक्टूबर का। जी हाँ, दिवाली का वो मौका जहाँ आप लोग थैंक गॉड की टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चले लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। क्या छाएंगे श्रीलंकन गाने के बोल अब बॉलीवुड में भी? कितने पैसे लग रहे हैं फिल्म को बनाने में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मुंबई 19 अक्टूबर श्रीलंका की सिंगर योहानी के लोकप्रिय गीत मानी के मगे हिते का हिंदी वर्जन तैयार होगा, जो अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड के लिए फिल्माया जाएगा। ओरिजिनली सिंहली भाषा में 2020 में आए इस गाने को सतीशन रत्नायका ने गाया है। पिछले साल गाने के कंवर वर्जन को योहानी और सतीशन ने गाया और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह गाना छा गया। फिल्म निर्माताओं के अनुसार गीत के विदेश हिंदी वर्जन के लिए तनिष्क बागची संगीत देंगे और रश्मि विराग गाने को बोल लिखेंगे। थैंक गॉड का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और भूषण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। योहानी ने कहा है कि भारत से बेहद प्यार और सपोर्ट मिला है और उन्हें गाने के नए वर्जन का इंतजार है। गायिका के बयान ने कहा, मैं भूषण कुमार, इंद्र कुमार और थैंक गॉड की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जो फिल्म में मेरे गाने को हिंदी वर्जन में पेश कर रहे हैं। मैं जल्द ही भारत आऊंगी। आगे भूषण कुमार ने कहा कि मानी के मगे हिते का हिंदी वर्जन गायिका के फैंस को उत्साह से भरने वाला होगा। आपको बता दें कि हिंदी वर्जन गाने में जैकलीन और सिद्धार्थ मल्होत्रा हमें नजर आने वाले हैं। वैसे फिल्म में मेन स्टार कास्ट के तौर पर हमें रकुल प्रीत, अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। अब कहानी में इतने बड़े किरदार और ऐसे म्यूजिशियन और सिंगर का होना फिल्म में चार चांद तो लगाएगा ही। साथ ही अगर फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 80 से 100 करोड़ का बताया जा रहा है और इतने कम बजट की फिल्म के लिए भी इस फिल्म में दो या तीन नहीं, इससे भी कई ज्यादा प्रोड्यूसर हैं, जिसमें भूषण कुमार, अशोक ठकेरिया, कृष्ण कुमार, दीपक मुकुट, यश शाह और मरकंड अधिकारी शामिल है। फिल्म इसी साल 29 जुलाई को बड़े पर्दे पर आने वाली है। तो आप सभी कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।
देवगन की थैंक गॉड कब रिलीज होने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनी का जाल। दोस्तों, कोरोना के बाद बॉलीवुड में लगातार फिल्मों की बौछार हो रही है, मतलब कि एक से बढ़कर एक फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो रही है। और अब आपको बता दें कि थैंक गॉड की भी रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं इंदर कुमार, जो कि अजय देवगन के साथ बहुत सारी फिल्में दे चुके हैं। इश्क जैसी हिट फिल्म दी थी, उसके बाद दिल बेटा राजा, ऐसी सुपर हिट फिल्में बनाई हैं उन्होंने। वहीं आपको बता दें, ये फिल्म एक सोशल कॉमेडी फिल्म है जिसमें अजय देवगन यमराज की भूमिका निभाने वाले हैं। इससे पहले संजय दत्त वाह लाइफ हो तो ऐसी में यमराज बन चुके हैं। माना जा रहा है कि अजय देवगन का ये किरदार कहीं ना कहीं ओ माय गॉड में अक्षय कुमार के भगवान श्री कृष्ण के रोल से प्रेरित है। फिल्म से अजय देवगन का लुक बाहर आ चुका है, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। दिलचस्प बात यह है कि अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर इस दशक की शुरुआत तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से की थी। वहीं मेहमान भूमिका में ही सही, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म सूर्यवंशी भी ब्लॉकबस्टर हिट है। ऐसे में अजय देवगन के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से भी काफी उम्मीदें जताई जा रही है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक कॉप बने हुए हैं। जब फिल्म से उनका ये लुक बाहर आया तो सिद्धार्थ ने इसे शेयर कर लिखा था, रोहित शेट्टी सर से मिलने का वक्त आ गया है। रोहित शेट्टी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि नाम भी एस से है। रोहित शेट्टी के सभी कॉप हीरो का नाम एस से शुरू होता है, नाम है सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी। लेकिन ये मजाक की बात सच में बदल चुकी है, क्योंकि रोहित शेट्टी नेटफ्लिक्स के लिए एक कॉप सीरीज बना रहे हैं जिसका हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म में रकुलप्रीत सिंह का किरदार काफी अलग होने वाला है, वो सिद्धार्थ की अपोजिट होंगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रकुल सिद्धार्थ एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। वो अय्यारी और मर जावा जैसी फिल्मों में भी एक दूसरे के अपोजिट नजर आ चुके हैं। वहीं रकुल के साथ अजय ने भी फिल्म कर ली है। रकुलप्रीत सिंह की आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी बेहतरीन है। थैंक गॉड के अलावा वो दो सोशल कॉमेडी करने वाली है, पहली आयुष्मान खुराना के साथ डॉक्टर जी, जिसमें एक पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट की कहानी दिखाई जाएगी। वहीं छतरी वाला नाम की फिल्म में रकुल एक क्वांटम टेस्टर की भूमिका निभाने वाली है। इसके अलावा वो अक्षय कुमार की फिल्म मिशन सिंड्रेला में भी अहम भूमिका में है। इन चार फिल्मों के साथ ही रकुलप्रीत सिंह जॉन अब्राहम की अटैक और अजय देवगन की मेरे में भी नजर आने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धार्थ भी शेरशाह की सफलता के बाद रातों रात स्टार बन चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो इस फिल्म का हाल भी विकी कौशल की उरी जैसा होता। ऐसे में अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की टीम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता दिला सकती है। खबरें हैं कि कोरोना की वजह से फिल्म को काफी नुकसान भी हुआ है। अब देखना होगा कि फिल्म कितना कमाल दिखा पाएगी। फिल्म की रिलीज डेट की बात कर लें तो ये फिल्म 29 जुलाई 2022 को रिलीज होनी है। तो आप कितना वेट कर रहे हैं थैंक गॉड का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। अजय देवगन के नए लुक ने कैसे फैंस को दीवाना बना दिया है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सनिका जयाल। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पे अजय देवगन की दाढ़ी वाले लुक वाली जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। वहीं अब जो अजय देवगन की नई तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन ने ये लुक फिल्म थैंक गॉड के लिए रखा है। सोशल मीडिया पर फैंस इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही फिल्म थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है, और जिसमें अजय देवगन गॉड यानी कि भगवान की भूमिका नजर आएंगे। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह भी इसमें नजर आने वाली है। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह दिखता है। इस फिल्म को भूषण कुमार और यश शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी। आपको बता दें, इस फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस वाले की भूमिका में है। तो आपको कितना इंतजार है थैंक गॉड का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की किसी भी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा।
से अजय देवगन के नए लुक ने कैसे फैंस को दीवाना बना दिया है, क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें, कब ये रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पे अजय देवगन की दाढ़ी वाले लुक वाली जो तस्वीर थी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। वहीं अब जो अजय देवगन की नई तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन ने ये लुक फिल्म थैंक गॉड के लिए रखा है। सोशल मीडिया पर फैंस इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही फिल्म थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और जिसमें अजय देवगन गॉड यानी कि भगवान की भूमिका नजर आएंगे। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी इसमें नजर आने वाली है। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह दिखता है। इस फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी, लिहाजा इस फिल्म से भी काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। अजय देवगन के इस लुक को देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। अजय देवगन ने काफी कम फिल्मों के लिए ही अपने लुक से छेड़छाड़ की होगी। वो हमेशा मतलब सेम ही लुक में नजर आते हैं लेकिन स्टनिंग लगते हैं। तो बता दें, साल की शुरुआत जो हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत की थैंक गॉड की शूटिंग से ही हुई थी, फिर कोविड की वजह से शेड्यूल गड़बड़ा गया। आपको बता दें, इस फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस वाले की भूमिका में है। इन दिनों अजय देवगन के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं, किसी में प्रोड्यूसर तो किसी में निर्देशक बने हुए हैं। तो आपको कितना इंतजार है थैंक गॉड का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की किसी भी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। क्या अजय देवगन ने शुरू की थैंक गॉड की शूटिंग? क्या होने वाली है थैंक गॉड की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं सोनिका जाल। अभिनेता अजय देवगन इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें फैंस छोटे गांव और कस्बों तक में फॉलो करते हैं। 90s के दशक से लेकर आज तक अजय देवगन के स्टाइल ने फैंस को दीवाना बनाकर रख दिया। हालांकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं अजय देवगन का वो लुक जिसको देखकर फैंस बहुत ज्यादा हैरान रह गए और ये जमकर वायरल हो रही है। यहां तक कि फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि अजय देवगन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि आज तक अजय को ऐसे लुक में कभी नहीं देखा गया। ऐसे सभी फैंस को हम बता दें कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। असल में अजय देवगन का ये लुक उनके अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड के लिए है। और सब जानते हैं कि अजय देवगन अपने किरदारों के लिए किस हद तक चले जाते हैं, और एक बार उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री के सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक है और कॉम्प्रोमाइज करने में पीछे नहीं हटते। हमेशा वो अपने लुक्स के साथ जैसा लुक चाहिए वैसा वो रख देते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिल्म थैंक गॉड में अजय देवगन के साथ कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। इसका निर्देशन इंद्र कुमार कर रहे हैं, जो कि अजय देवगन के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। कुछ दिनों पहले ही अजय देवगन और इंद्र कुमार की टोटल धमाल रिलीज हुई थी, जिसने काफी अच्छा कारोबार किया था। और वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन ने हाल ही में अपनी फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया की रिलीज डेट का ऐलान किया है, जो 13 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। और इसमें अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर जैसे धमाकेदार कलाकार नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की थैंक गॉड का, जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें, अजय देवगन RRR में नजर आने वाले हैं। बहुत ही अहम भूमिका उनकी इस फिल्म में होने वाली है और RRR में जो उनका रोल है वो अहम है, क्योंकि वो मार्गदर्शन करेंगे लीड एक्टर्स का, जो कि इसमें जूली नेठियार और रामचरण है, और इन दोनों को गाइड करते हुए नजर आएंगे इसमें अजय देवगन। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय की फिल्मों का, थैंक गॉड का आपको कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।
क्या अजय देवगन ने शुरू की थैंक गॉड की शूटिंग? बैक टू बैक किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं अजय? क्या होने वाली है थैंक गॉड की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में कई फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन मार्च आते आते लॉकडाउन लग गया और फिर से सब अटक गया। इन्हीं फिल्मों में शामिल है थैंक गॉड। साल की शुरुआत में ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत की थैंक गॉड की शूटिंग शुरू की थी और फिर कोविड की वजह से शेड्यूल बदलती गई। बहरहाल अब अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह बनाया गया है। सूत्रों की माने तो फिल्म में अजय देवगन गॉड का किरदार निभा रहे हैं। थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को भूषण कुमार और यश शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती और टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी है और इस फिल्म से भी कई उम्मीदें जताई जा रही है। आपको बता दें, इन दिनों अजय देवगन के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। कुछ फिल्मों से वो बतौर एक्टर जुड़े हुए हैं तो कुछ का वो निर्देशन भी कर रहे हैं, कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आपको बता दें, उनकी आने वाले टाइम पे बहुत सारी फिल्में हैं। इनका नाम अगर मैं बताऊँ आपको तो तेलुगु हिट फिल्म नांधी का हिंदी रीमेक वो करने वाले हैं दिलराजू के साथ। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया उनके आने वाली है। हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने धमाका मचा के रख दिया और ट्रेलर जितनी बार आप देखोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी कूट कूट कर देशभक्ति भरी है। वहीं मैदान में वो दिखेंगे जिसमें सैयद अब्दुल रहीम का किरदार करेंगे जो कि फुटबॉल कोच थे और ट्रिपल आर से तो धमाका मचाने को तैयारी है। द ग्रेट डायरेक्टर SS राजामौली के साथ वो ये फिल्म बना रहे हैं। फिर वो मेडे में दिखेंगे जिसमें वो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर रहे हैं और पहली बार अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डिजिटल डेब्यू भी करने वाले हैं रुद्रा से और अजय देवगन ने निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गोबर भी करने का फैसला किया है और गोबर में वो खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं कैथी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे और इसके अलावा चाणक्या, गंगूबाई काठियावाड़ी, मतलब कि फिल्मों की लाइन लगी हुई है। बस इंतजार है तो फटाफट ये शूट खत्म हो। फिलहाल आप हमें बताइए थैंक गॉड का आपको कितना वेट हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अजय देवगन ने शुरू की थैंक गॉड की शूटिंग। बैक टू बैक किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं अजय? क्या होने वाली है थैंक गॉड की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में कई फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन मार्च आते आते लॉकडाउन लग गया और फिर से सब अटक गया। इन्हीं फिल्मों में शामिल है थैंक गॉड। साल की शुरुआत में ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत की थैंक गॉड की शूटिंग शुरू की थी और फिर कोविड की वजह से शेड्यूल बदलती गई। बहरहाल अब अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह बनाया गया है। सूत्रों की माने तो फिल्म में अजय देवगन गॉड का किरदार निभा रहे हैं। थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को भूषण कुमार और यश शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती और टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी है और इस फिल्म से भी कई उम्मीदें जताई जा रही है। आपको बता दें, इन दिनों अजय देवगन के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। कुछ फिल्मों से वो बतौर एक्टर जुड़े हुए हैं तो कुछ का वो निर्देशन भी कर रहे हैं, कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आपको बता दें, उनकी आने वाले टाइम पे बहुत सारी फिल्में हैं। इनका नाम अगर मैं बताऊँ आपको तो तेलुगु हिट फिल्म नांधी
का हिंदी रीमेक वो करने वाले हैं दिलराजू के साथ। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया उनके आने वाली है। हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने धमाका मचा के रख दिया और ट्रेलर जितनी बार आप देखोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी कूट कूट कर देशभक्ति भरी है। वहीं मैदान में वो दिखेंगे जिसमें सैयद अब्दुल रहीम का किरदार करेंगे जो कि फुटबॉल कोच थे और ट्रिपल आर से तो धमाका मचाने को तैयारी है। द ग्रेट डायरेक्टर SS राजामौली के साथ वो ये फिल्म बना रहे हैं। फिर वो मेडे में दिखेंगे जिसमें वो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर रहे हैं और पहली बार अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डिजिटल डेब्यू भी करने वाले हैं रुद्रा से और अजय देवगन ने निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गोबर भी करने का फैसला किया है और गोबर में वो खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं कैथी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे और इसके अलावा चाणक्य, गंगूबाई काठियावाड़ी, मतलब कि फिल्मों की लाइन लगी हुई है, बस इंतज़ार है तो फटाफट ये शूट खत्म हो। फिलहाल आप हमें बताइए थैंगॉड का आपको कितना वेट हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। कैसे रह जाएंगे, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोस, मैं सोनिका जाट। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें फैंस छोटे गांव और कस्बों तक में फॉलो करते हैं। 90s के दशक से लेकर आज तक अजय देवगन के स्टाइल ने फैंस को दीवाना बनाकर रख दिया। हालांकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं अजय देवगन का वो लुक जिसको देखकर फैंस बहुत ज्यादा हैरान रह गए और ये जमकर वायरल हो रही है। यहां तक कि फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि अजय देवगन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि आज तक अजय को ऐसे लुक में कभी नहीं देखा गया। ऐसे सभी फैंस को हम बता दें कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। असल में अजय देवगन का ये लुक उनके अपकमिंग फिल्म थैंगॉड के लिए है और सब जानते हैं कि अजय देवगन अपने किरदारों के लिए किस हद तक चले जाते हैं और एक बार उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री के सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक है और कॉम्प्रोमाइज करने में पीछे नहीं हटते। हमेशा वो अपने लुक्स के साथ जैसा लुक चाहिए वैसा वो रख देते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिल्म थैंगॉड में अजय देवगन के साथ कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। इसका निर्देशन इंदर कुमार कर रहे हैं जो कि अजय देवगन के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। कुछ दिनों पहले ही अजय देवगन और इंदर कुमार की टोटल धमाल रिलीज हुई थी जिसने काफी अच्छा कारोबार किया था। और वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन ने हाल ही में अपनी फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया की रिलीज डेट का ऐलान किया है जो 13 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है और इसमें अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर जैसे धमाकेदार कलाकार नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की थैंगॉड का, जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें अजय देवगन RRR में नजर आने वाले हैं, बहुत ही अहम भूमिका उनकी इस फिल्म में होने वाली है और RRR में जो उनका रोल है वो अहम है क्योंकि वो मार्गदर्शन करेंगे लीड एक्टर्स का जो कि इसमें जूली रेंठियार और रामचरण है और इन दोनों को गाइड करते हुए नजर आएंगे इसमें अजय देवगन। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं अजय की फिल्मों का, थैंगॉड का आपको कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।
थैंक गॉड से अजय देवगन के नए लुक ने ऐसे फैंस को दीवाना बना दिया है। क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें, कब ये रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सनिका जयाल। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पे अजय देवगन की दाढ़ी वाले लुक वाली जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। वहीं अब जो अजय देवगन की नई तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन ने ये लुक फिल्म थैंक गॉड के लिए रखा है। सोशल मीडिया पर फैंस इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही फिल्म थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और जिसमें अजय देवगन गॉड यानी कि भगवान की भूमिका नजर आएंगे। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी इसमें नजर आने वाली है। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह दिखता है। इस फिल्म को भूषण कुमार और यश शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी, लिहाजा इस फिल्म से भी काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। अजय देवगन के इस लुक को देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। अजय देवगन ने काफी कम फिल्मों के लिए ही अपने लुक से छेड़छाड़ की होगी। वो हमेशा मतलब सेम ही लुक में नजर आते हैं लेकिन स्टनिंग लगते हैं। साथ ही आपको बता दें, साल की शुरुआत जो हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत की थैंक गॉड की शूटिंग से ही हुई थी, फिर कोविड की वजह से शेड्यूल गड़बड़ा गया। आपको बता दें, इस फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस वाले की भूमिका में है। इन दिनों अजय देवगन के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं, किसी में प्रोड्यूसर तो किसी में निर्देशक बने हुए हैं। तो आपको कितना इंतजार है थैंक गॉड का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की किसी भी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड की शूटिंग कब कर रहे हैं, क्या रोल होने वाला है इस फिल्म में अजय देवगन का, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें और क्या है अजय देवगन की अपकमिंग फिल्में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। अजय देवगन इस समय तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट साइन करते ही जा रहे हैं। अब खबर है कि इंदर कुमार की फिल्म थैंक गॉड में अजय देवगन मॉडर्न डे यमराज की भूमिका में नजर आने वाले हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म ओ माई गॉड में अक्षय कुमार भगवान श्री कृष्ण के मॉडर्न अवतार में नजर आए थे। इस हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म में अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं और फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपको बता दें, यमराज की भूमिका में अक्षय कुमार और संजय दत्त भी नजर आ चुके हैं। अक्षय कुमार एक एड में नजर आए थे और वहीं संजय दत्त वाह लाइफ हो तो ऐसी में यमराज के मॉडर्न अवतार में नजर आ चुके हैं। वहीं बात करें अजय देवगन के आगामी प्रोजेक्ट्स की, तो अजय देवगन के पास कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो कुछ बेहद बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा इस साल वो एक बार फिर से निर्देशन की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, उनकी अपकमिंग फिल्मों में भूज द प्राइड ऑफ इंडिया है जो कि 1975 के भारत पाक युद्ध पर आधारित है। वहीं मैदान में आपको सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक दिखेगी जो कि एक फुटबॉल कोच थे। वहीं ट्रिपल आर में वो कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगी। सूर्यवंशी में भी उनका कैमियो रोल है। सिंघम 3 आने वाली है। इसके अलावा क्रैक के हिंदी रीमेक में भी वो नजर आने वाले हैं। मेडे जैसी फिल्म में वो निर्देशन करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, रकुल प्रीत सिंह अजय देवगन के साथ इस फिल्म में नजर आने वाली है जो कि इससे पहले दे दे प्यार दे में नजर आ चुकी है और इन दोनों की केमिस्ट्री को फिल्म में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और अब एक बार फिर से ये बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है अजय देवगन की थैंक गॉड का यमराज के रोल में देखने के लिए, आप कितने एक्साइटेड हैं उन्हें हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, फिल्मी रिव्यूज़ के लिए, वेब सीरीज़ की किसी भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।
कब रिलीज होगी थैंक गॉड, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें और कौन सी एक्ट्रेस नजर आएगी इस फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज में सोनिका जयाल। अजय देवगन की लगातार एक के बाद एक फिल्म में अनाउंस हो रही है, इसी में थैंक गॉड का नाम भी शामिल है और इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं अजय देवगन। इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे और रकुल और अजय की जोड़ी को आपने दे दे प्यार दे में बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए। अजय देवगन ने इसकी अनाउंसमेंट करके लिखा, अपनी अगली फिल्म थैंक गॉड की घोषणा कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये कॉमेडी फिल्म है जिसमें रकुल प्रीत सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार कर रहे हैं और फिल्म का शूट वो शुरू कर चुके हैं। रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार समेत अन्य लोग कर रहे हैं। भूषण कुमार ने फिल्म को लेकर कहा, थैंक गॉड की स्क्रिप्ट मनोरंजन से भरी हुई है, मैं अजय सर के साथ काम कर चुका हूँ, उन्हें इस जॉनर में महारत हासिल है, वो वाकई में है। और जबकि सिद्धार्थ और रकुल अपने फैंस को अपना नया और अलग अवतार दिखाएंगे। निर्देशक इंद्र कुमार ने कहा कि शूटिंग से पहले सभी जरूरी चीजों को ध्यान में रखा गया है और ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। और इस वक्त दोस्तों में ऐसी ही फिल्मों की जरूरत है जो कॉमेडी से भरपूर हो, क्योंकि साल 2020 हमारा ऐसा ही है, आप सभी जानते हैं कोविड के चलते, और इसीलिए हम चाहते हैं कि 2021 फिल्मों की बहार लेकर आए जो कि एक के बाद एक रिलीज भी होने वाली है फिल्म में। वहीं आपको बता दें, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा को अय्यारी और मरजावा में आपने देखा है, तो उनकी ये तीसरी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता दें अजय देवगन के बारे में, तो कल उनका बर्थडे था और बर्थडे पर उनका धमाका हो चुका है। ट्रिपल आर से उनका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिन्होंने उनकी जो फैंस है उसकी एक्साइटमेंट तो ऑलरेडी बढ़ा दी है। अब इंतज़ार है अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों का, उनकी अपकमिंग फिल्मों के लाइनअप में है बहुत सारी फिल्में। उन्होंने आने वाले टाइम पर चाणक्य जैसी फिल्म देनी है, मैदान उनकी रिलीज हो रही है, इसके अलावा ट्रिपल आर में वो नजर आएंगे, तो बहुत सारी फिल्में हैं। दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। निर्देशक में बन रही है जो मस्ती और धमाल जैसी कॉमेडी फिल्मों के निर्देशक भी रह चुके हैं। अजय देवगन ने साथ सिद्धार्थ ने पोस्ट में लिखा कि बहुत ही उत्तेजित हूँ, आज मैं थैंक गॉड की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। रकुल प्रीत सिंह के साथ भी कई फिल्मों के काम कर चुके हैं सिद्धार्थ। फिल्म बन रही है डायरेक्टर इंद्र कुमार के निर्देशन में और फिल्म टी सीरीज और मारुति कंपनी के बैनर तले बन रही है। फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अशोक ठाकरिया, सुनील खेत्रपाल, दीपक मुकुट मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित कर रहे हैं प्रोड्यूस। अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड के अलावा अजय देवगन क्या और किसी फिल्म में भी आ सकते हैं नजर? जी हाँ, बिल्कुल, अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड के अलावा अजय देवगन अपनी एक और फिल्म बुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी अभिनय करते नजर आएंगे। यही नहीं, अजय देवगन और निर्माता SS राजामौली की RRR में स्पेशल अपीयरेंस में भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में अजय के साथ NTR, रामा राव जूनियर, रामचरण और आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। यही नहीं, अजय देवगन निर्माता SS राजामौली की RRR में स्पेशल अपीयरेंस में भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में अजय के साथ NTR, रामा राव जूनियर, रामचरण और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म मे डे में भी अजय अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग करते नजर आएंगे। एक नजर आया अजय देवगन के साथ जुड़े कुछ दिलचस्प बातों पर, आइए डालते हैं अजय देवगन के साथ कुछ जुड़े दिलचस्प बातों पर।
अजय की पहली फिल्म थी साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे। फूल और कांटे से लेकर अब तक अभिनेता अजय देवगन का किसी भी फिल्मी करियर अब तक बेहद शानदार रहा है। अजय देवगन ने एक और एक्शन हीरो के तौर पर नाम कमाया है, वो वही गोलमाल जैसी कॉमेडी फिल्में करके फैंस को अपना दीवाना बना दिया। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। अजय देवगन ने जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से पढ़ाई की है और मिठाई बाई अजय देवगन ने जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से पढ़ाई की है और मीठी बाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कम्प्लीट की। अजय देवगन मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे हैं। अजय फिल्म एक्ट्रेस काजोल के पति भी हैं। इनकी माँ भी फिल्म निर्माता रही। अजय का असली नाम विशाल है, पर अपनी माँ के कहने पर उन्होंने अपना नाम अजय रख दिया था। अजय का निक नेम राजू है, उन्हें घर में सभी लोग राजू कहकर पुकारते हैं। साल 1985 में आई फिल्म प्यारी बहना में अजय ने मिथुन चक्रवर्ती का बाल किरदार भी निभाया था। अब अजय ने फिल्मों में नई नई एंट्री की थी तो अपनी सांवली सी शक्ल और सूरत की वजह से वे उनको काफी मजाक उड़ाया जाता था, पर उनकी लगातार हिट होती फिल्मों ने उनके सभी विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। अजय का पूरा परिवार माँ दुर्गा का उपवास रखता है। इसके अलावा अजय देवगन शिव के भी भक्त हैं और अपनी छाती पर भगवान शिव का टैटू भी बनवा रखा है। अजय को फिल्मी पार्टियां नहीं भाती, उन्हें अपना काम खत्म कर जाकर घर बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ टाइम बिताना अधिक पसंद है। अजय देवगन ने साल 2008 में आई फिल्म आई यू हम को निर्देशित किया था। इसके अलावा अजय ने अपनी सबसे बड़ी शिवाय का भी निर्देशन किया था। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा राय ने। मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं पाऊंगा। पता नहीं कितना प्रेशर मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत। मैं हूं चित सचित के दिखा। काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। बीच में कहीं हम तुम्हारे साथ एक गेम खेल और की बनना है तो? और फिलहाल तो जुम्बा वाली बीबी इतने आ रही है, उस वास्ते ना स्पेस खाली करना। अगर मुझे मौका मिलता, अरे सिंघम होता मैं, सिंघम। नमस्ते अंकल। भगवान में तो मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मान। बोलने के बाद क्या फायदा? मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं पाऊंगा। पता नहीं कितना प्रेशर मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत। मैं हूं चित सचित के दिखा। काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। बीच में कहीं हम तुम्हारे साथ एक गेम। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोस। दोस्तों, बॉलीवुड में हिंदू विरोधी मानसिकता और कंटेंट परोसने के कारण लोगों ने कुछ महीनों से रिलीज होने वाली फिल्मों का भारी विरोध किया। इस कारण कई बड़े बजट और नामी प्रोडक्शन हाउस की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुकी हैं।
लेकिन इसके बावजूद हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने का सिलसिला अभी तक नहीं रुका, क्योंकि देखा जाए तो अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड का शुक्रवार को 9 सितंबर को ट्रेलर रिलीज हुआ। इसके एक सीन में अजय देवगन खुद को हिंदू देवता चित्रगुप्त बता रहे हैं और सामने वाले के कर्मों के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में वो फिल्म के डायलॉग बोल रहे हैं वो उनका अंदाज मजाक उड़ाने जैसा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब अजय देवगन ने खुद को चित्रगुप्त बताया तो उनके आसपास कुछ लड़कियां खड़ी थी जिन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। हालांकि जब ट्रेलर देखते वक्त लोगों की नजर उन पर गई तो एक बार फिर से ट्विटर पर लोगों ने बॉलीवुड के खिलाफ बोलना और लिखना शुरू कर दिया। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना भी शुरू हो गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म में देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए फिल्म के डायलॉग्स राइटर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जमकर कोसा। यहाँ तक कि एक बार फिर से इस ट्रेलर के बाद से बॉलीवुड बायकॉट करने की अपील की और कमेंट करते हुए लिखा कि क्या बॉलीवुड हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने और अश्लीलता के लिए। तो वहीं एक और यूजर है जेम्स ऑफ बॉलीवुड, इन्होंने लिखा ये नहीं सुधरेंगे, हैशटैग उर्दू वुड का सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे ये भस्मासुर, दो चार संवाद जन्नत और वहां के हूर समुदाय पर भी मार देते, सनातन धर्म से इतनी घृणा कहां से लाते हैं, चित्रगुप्त की पूजा होती है विशेषतः कायस्थ समाज में, डायरेक्टर इंद्र ईरानी तथा टी सीरीज का एक और कचरा। दोस्तों देखा जाए तो बॉलीवुड के इस रवैये को लेकर लगभग एक साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सोशल मीडिया पर बायकॉट अभियान चलाया गया। इस अभियान का ये परिणाम हुआ कि पिछले एक साल में रिलीज हुई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई, सिर्फ दो फिल्मों को छोड़कर, एक थी कश्मीर फाइल्स और दूसरी फिल्म थी आर माधवन की फिल्म रॉकेट रे दी नंबी इफेक्ट। इन दोनों ही फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर। अब आने वाले टाइम में देखना कि क्या फिर से एक बार बायकॉट की मुहिम शुरू होती है इस फिल्म की वजह से, इस फिल्म के ट्रेलर की वजह से। आपको क्या लगता है, आपको इस बारे में ट्रेलर के बारे में क्या कहना है, आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपको क्या कहना है चित्रगुप्त के बारे में और उनके पीछे अगल बगल छोटे कपड़ों में लड़कियों के खड़े होने के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। कैसा है सिद्धार्थ मल्होत्रा का फर्स्ट लुक? किसने शेयर किया सिद्धार्थ का फर्स्ट लुक? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक गॉड, कुछ इसी तरह के शब्द होंगे उन सारी लड़कियों के, फीमेल्स फैंस के, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक झलक पाने के लिए तरसती रहती हैं। अब बंदा है ही इतना डैशिंग एंड कूल कि कोई कैसे रोक पाए। वैसे सिद्धार्थ के करियर की गाड़ी शेरशाह फिल्म ने इस तरह से दौड़ाई कि बस पूछिए मत। करण जौहर के फिल्म से डेब्यू करने वाले सिद्धार्थ अब उन्हीं के शो में आराम से एक ऑरा कैरी करते हुए, करण से बातें करते हुए भी नजर आए। अब बंदे ने इतनी सक्सेस जो हासिल की है। वैसे उनके किट में आकर गिर चुकी फिल्म थैंक गॉड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर रिवील हुई है। खबर या यूं कहिए कि उनका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। अब जिस दिन से फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी और चल रही थी, तब से लोगों का ध्यान सिद्धार्थ के लुक, उनके किरदार की तरफ ही था और अब उनकी तमन्ना पूरी हो चुकी है। वैसे उनके फर्स्ट लुक के बारे में जानकारी दी है इंडियन फिल्म क्रिटिक करण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर। इसमें उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें सिद्धार्थ एक इंटेंस लुक के साथ नजर आ रहे हैं, पर पता नहीं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बॉल्स उनके आसपास हवा में उड़ रहे हैं, पर ये कोई मामूली बॉल्स नहीं है। उस पर जो शब्द लिखे हैं उसमें हमें पता चलेगा कि इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या दिखाई देने वाला है। वो शब्द है प्राइड, लस्ट, डिल्यूजन, जेलसी, एंगर और ग्रीड, मतलब कि अभिमान, लालच, भ्रम, जलन और गुस्सा। अब हर इंसान के अंदर ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मात्रा में होती ही हैं। वैसे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म में हमें इन सारी चीजों का एक मिक्सचर दिखाई देगा, जिससे कॉमेडी होगी तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, काफी उलझने पैदा होंगी। जैसे कि ये फिल्म एक सोशल कॉमेडी पर बेस्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे ही,
और इसी से क्रिएट होगा एक कॉमेडी ड्रामा। मतलब सिद्धार्थ कहना चाहते हैं कि मैं इन सब के बीच में फंस चुका हूँ और मेरी लाइफ कुछ और ही मोड ले चुकी है। दोस्तों वैसे इसमें सिद्धार्थ अकेले ही नहीं है बल्कि अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह भी उनका साथ निभाएंगे। वैसे अजय का फर्स्ट लुक भी रिवील हो चुका है जिसमें वो एक गोल्ड कुर्सी या अलग तरह के सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं। आंखों पर काला चश्मा, थोड़ी सी दाढ़ी, ब्लैक कलर के अटायर में अजय एकदम डैशिंग लग रहे हैं। मतलब एक के बाद एक ऐसे धमाके होते रहेंगे। फिर रकुलप्रीत का लुक रिवील होगा और चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार, जो टोटल धमाल, धमाल, डबल धमाल, ग्रैंड मस्ती जैसी कॉमेडी फिल्मों के लिए पॉपुलर है। वैसे इन फिल्मों ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है ये तो हम सभी जानते ही हैं, पर इंद्र कुमार कॉमेडी जॉनर के मास्टर हैं और उस खेल के पुराने खिलाड़ी भी। हाँ तो वो सिद्धार्थ, रकुल और अजय को अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इस जॉनर में खुद को ढालने के लिए। तो देखते हैं अब 25 अक्टूबर 2022 को इनकी तैयारी का नतीजा क्या निकलता है। इसके लिए क्या करना होगा आपको? जी हाँ, इंतजार, इंतजार और बस इंतजार। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। मैं आज शाम को पीयू की पीटे मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं कितना प्रेशर है मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत, मैं हूँ चित्र। सब जीत के दिखा इस गाने में नजर आएगी सिद्धार्थ मल्होत्रा और नोरा की केमिस्ट्री, किसकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ है मानिके गाना। कैसा रहा श्रीलंकन सिंगर युहानी का एक्सपीरियंस? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों जब भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में सुर्खियां बटोरती है तब उनकी सारी फीमेल फैंस हर एक अपडेट जानने के लिए तरसती रहती है और जैसे ही अपडेट मिलती है उनका पहला रिएक्शन होता है थैंक गॉड। दोस्तों वैसे आज हम आपको जो खबर देने वाले हैं ना वो इसी फिल्म से जुड़ी हुई है, इसीलिए सोचा थोड़ा हट के इंट्रोडक्शन दे दे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड के साथ 25 अक्टूबर को दस्तक देने वाली है, उसी से जुड़ी एक खबर रिवील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले जानकारी के लिए कि फिल्म में हॉट नोरा फतेही स्पेशल अपीयरेंस देने वाली है और वो जिस गाने के साथ एंट्री लेगी वो भी एक मशहूर गाना है जिसे हमने लॉकडाउन के दौरान कई बार सुना है, तो गेस करिए। अच्छा नहीं कर पाए तो हम बताते हैं, गाने का नाम है मानिके। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकन सिंगर युहानी का ये गाना और उनकी आवाज काफी पॉपुलर हो चुकी थी जो इस फिल्म में एक बॉलीवुड वर्जन में सुनाई देगी और अब ये गाना आउट हो चुका है और साथ ही गाने में दिखाई देने वाले सिद्धार्थ और नोरा का लुक भी वायरल हो रहा है। दोस्तों इसमें दोनों ही व्हाइट अटायर में नजर आ रहे हैं और एक सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। ये लुक रिवील होते ही ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो रही है सिद्धार्थ और नोरा को एक साथ देखने के लिए। दोस्तों इस खुशी को जाहिर करते हुए सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि अयान कपूर सच में कंपटीशन का शिकार हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि अयान सिद्धार्थ के किरदार का नाम है। वैसे इस गाने के लिए युहानी के साथ साथ जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन ने भी अपनी आवाज दी है। इस गाने को कंपोज किया है तानिश बागची और चामत संगीत ने। वैसे इस गाने को लेकर युहानी बेहद खुश है और एक्साइटेड है इस बॉलीवुड वर्जन को पर्दे पर देखने और सुनने के लिए।
दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की बाकी कास्ट यानी रकुल प्रीत और अजय भी शूटिंग में व्यस्त हैं। आपको बताते चले कि रकुल और अजय का दे दे प्यार दे और रणवीर 34 के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ ही रकुल और सिद्धार्थ का भी अय्यारी और मरजावा फिल्मों के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं टोटल धमाल फेम इंदर कुमार, जो इस कॉमेडी जॉनर के फिल्म के लिए काफी मेहनत दे रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है टी सीरीज फिल्म्स एंड मारुति इंटरनेशनल प्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अजय, रकुल और सिद्धार्थ के फैंस 25 अक्टूबर को दिवाली के त्योहार पर इस फिल्म को एंजॉय करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। पता नहीं कितना प्रेशर है मेरे पे। कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत। मैं हूं चिर सचित के दिखा का। मैं लोगों का पाप और पुण्य का हिसाब करना बीच में कहीं हम तुम्हारे साथ एक गेम। किस गाने में नजर आएगी सिद्धार्थ मल्होत्रा और नोरा की केमिस्ट्री? किसकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ है मानिके गाना? कैसा रहा श्रीलंकन सिंगर युहानी का एक्सपीरियंस? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों जब भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में सुर्खियां बटोरती है तब उनकी सारी फीमेल फैंस हर एक अपडेट जानने के लिए तरसती रहती है। और जैसे ही अपडेट मिलती है उनका पहला रिएक्शन होता है थैंक गॉड। दोस्तों वैसे आज हम आपको जो खबर देने वाले हैं ना वो इसी फिल्म से जुड़ी हुई है, इसीलिए सोचा थोड़ा हट के इंट्रोडक्शन दे दे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड के साथ 25 अक्टूबर को दस्तक देने वाली है, उसी से जुड़ी एक खबर रिवील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले जानकारी के लिए कि फिल्म में हॉट नोरा फतेही स्पेशल अपीयरेंस देने वाली है और वो जिस गाने के साथ एंट्री लेगी वो भी एक मशहूर गाना है जिसे हमने लॉकडाउन के दौरान कई बार सुना है। तो गेस करिए। अच्छा नहीं कर पाए तो हम बताते हैं, गाने का नाम है मानिके। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकन सिंगर युहानी का ये गाना और उनकी आवाज काफी पॉपुलर हो चुकी थी जो इस फिल्म में एक बॉलीवुड वर्जन में सुनाई देगी। और अब ये गाना आउट हो चुका है और साथ ही गाने में दिखाई देने वाले सिद्धार्थ और नोरा का लुक भी वायरल हो रहा है। दोस्तों इसमें दोनों ही व्हाइट अटायर में नजर आ रहे हैं और एक सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। ये लुक रिवील होते ही ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो रही है सिद्धार्थ और नोरा को एक साथ देखने के लिए। दोस्तों इस खुशी को जाहिर करते हुए सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि अयान कपूर सच में कंपटीशन का शिकार हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि अयान सिद्धार्थ के किरदार का नाम है। वैसे इस गाने के लिए युहानी के साथ साथ जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन ने भी अपनी आवाज दी है। इस गाने को कंपोज किया है तनिष्क बागची और चामत संगीत ने। वैसे इस गाने को लेकर युहानी बेहद खुश है और एक्साइटेड है इस बॉलीवुड वर्जन को पर्दे पर देखने और सुनने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की बाकी कास्ट यानी रकुल प्रीत और अजय भी शूटिंग में व्यस्त हैं। आपको बताते चले कि रकुल और अजय का दे दे प्यार दे और रणवीर 34 के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ ही रकुल और सिद्धार्थ का भी अय्यारी और मरजावा फिल्मों के बाद ये थर्ड कोलैबोरेशन है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं टोटल धमाल फेम इंदर कुमार, जो इस कॉमेडी जॉनर के फिल्म के लिए काफी मेहनत ले रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है टी सीरीज फिल्म्स एंड मारुति इंटरनेशनल प्रोडक्शन के साथ।
तो दोस्तों तैयार हो जाइए अजय, राकुल और सिद्धार्थ के फैंस 25 अक्टूबर को दिवाली के त्योहार पर इस फिल्म को एंजॉय करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। जाम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। क्या डायरेक्टर इंद्र कुमार ऑडियंस को खुश करने के लिए बदल देंगे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को? कौन सी जॉनरा पे बेस्ड होने वाली है ये फिल्म और आखिर कौन सी हसीना का कातिलाना अंदाज देखने को मिलेगा हम लोगों को इस फिल्म में? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, समझदार को ना इशारा ही काफी होता है। बस कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स और डायरेक्टर्स का। अब देखिए ना, जब से मेकर्स को ये पता चला है कि ऑडियंस कुछ भी ऐसा वैसा हल्का फुल्का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब से मेकर्स ने अच्छे कंटेंट पर काम करना और ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे में तो यही लगता है कि बॉयकॉट शब्द का ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। अरे ये चीज तो बॉयकॉट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बॉयकॉट से ना दूरी रखना पसंद करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले। अरे भाई, सबका खाना पीना मतलब हराम कर रखा है शब ने। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाली हूँ उस फिल्म का नाम है थैंक गॉड। फिल्म का ही नाम है थैंक गॉड, ये कोई डायलॉग नहीं है मेरा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों, फिल्म का टाइटल थैंक गॉड और फिल्म की स्टार कास्ट सुन के तो यही लगता है कि फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फिल्म में जो स्टार कास्ट हमें नजर आने वाली है उसमें से अजय देवगन और रकुल प्रीत ऑलरेडी एक फिल्म दे दे प्यार दे और इनफैक्ट रनवे 34 में भी काम कर चुके हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी अय्यारी में काम कर चुके हैं। तो मतलब इन स्टार्स का आपस में कंफर्ट लेवल तो काफी ठीक ही होगा और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी स्टार कास्ट खुश भी है फिल्म की स्क्रिप्ट सुन के। वैसे स्क्रिप्ट से मुझे याद आया कि वैसे तो ये फिल्म 29 जुलाई 2022 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डायरेक्टर इंद्र कुमार अभी इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। देखिए, इंद्र कुमार ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए जाने हैं और ये फिल्म बेस्ड होगी कॉमेडी जॉनरा पे। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो एक्शन और ड्रामा फिल्में काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कॉमेडी फिल्मों की तो बात ही अलग है। उनका यही कहना था कि पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा दर्शकों को अट्रैक्ट किया है कॉमेडी फिल्म्स ने, इसीलिए आप लोग थैंक गॉड की एक अच्छी सी एंटरटेनिंग सी फुल ऑन कॉमेडी स्टोरी देखने के लिए हो जाइए तैयार। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कह रहे थे कि वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो जनता को थिएटर्स के पास खींच के ले आए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर ये भी दे दूं कि हमें इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करती नजर आने वाली है नोरा फतेही। जी हाँ दोस्तों, वैसे किस गाने पे आखिर वो अपना कातिलाना अंदाज दिखाएंगी, पता है आप लोगों को? अरे नहीं भी पता है तो मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। दरअसल लॉकडाउन में जो एक गाना फेमस हुआ था, मन के मगा हिते, जी हाँ, जिससे सिंगर युहानी भी काफी पॉपुलर हो गई थी, भैया गाना फुल ऑन ट्रेंड किया था। दोस्तों, आप सोचिए जरा, इस गाने के बॉलीवुड वर्जन पे हमें नोरा फतेही अपने जलवे दिखाती हुई नजर आई। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। अब जिस तरीके से नोरा फतेही लोगों की नजरों पे छा रही है उससे तो यही लगता है कि उनका फिल्म में होना फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
ऐसे खबरें तो ये भी है कि इस गाने में हमें नोरा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आ सकते हैं नजर। अब सिद्धार्थ के पीछे तो लड़कियां वैसे ही दीवानी है, तो जरा सोचिए ना इन दोनों की ये जोड़ी मिलकर आखिर क्या धमाल मचाएगी फिल्म में। वैसे आप लोग ज्यादा मत सोचिए, बस इंतजार कीजिए 24 अक्टूबर का। जी हाँ, दिवाली का वो मौका जहां आप लोग थैंक गॉड की टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। क्या डायरेक्टर इंद्र कुमार ऑडियंस को खुश करने के लिए बदल देंगे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को? कौन सी जॉनर पे बेस्ड होने वाली है ये फिल्म और आखिर कौन सी हसीना का कातिलाना अंदाज देखने को मिलेगा हम लोगों को इस फिल्म में? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, समझदार को ना इशारा ही काफी होता है। बस कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स और डायरेक्टर्स का। अब देखिए ना, जब से मेकर्स को ये पता चला है कि ऑडियंस कुछ भी ऐसा वैसा हल्का फुल्का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब से मेकर्स ने अच्छे कंटेंट पर काम करना और ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे में तो यही लगता है कि बॉयकॉट शब्द का ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। अरे ये चीज तो बॉयकॉट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बॉयकॉट से ना दूरी रखना पसंद करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले। अरे भाई, सबका खाना पीना मतलब हराम कर रखा है शब्द ने। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाली हूं उस फिल्म का नाम है थैंक गॉड। फिल्म का ही नाम है थैंक गॉड, ये कोई डायलॉग नहीं है मेरा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों, फिल्म का टाइटल थैंक गॉड और फिल्म की स्टार कास्ट सुन के तो यही लगता है कि फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फिल्म में जो स्टार कास्ट हमें नजर आने वाली है उसमें से अजय देवगन और रकुल प्रीत ऑलरेडी एक फिल्म दे दे प्यार दे और इनफैक्ट रनवे 34 में भी काम कर चुके हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी अय्यारी में काम कर चुके हैं, तो मतलब इन स्टार्स का आपस में कंफर्ट लेवल तो काफी ठीक ही होगा। और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी स्टार कास्ट खुश भी है फिल्म की स्क्रिप्ट सुन के। वैसे स्क्रिप्ट से मुझे याद आया कि वैसे तो ये फिल्म 29 जुलाई 2022 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डायरेक्टर इंद्र कुमार अभी इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। देखिए, इंद्र कुमार ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए जाने हैं और ये फिल्म बेस्ड होगी कॉमेडी जॉनरा पे। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो एक्शन और ड्रामा फिल्में काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कॉमेडी फिल्मों की तो बात ही अलग है। उनका यही कहना था कि पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा दर्शकों को अट्रैक्ट किया है कॉमेडी फिल्म्स ने, इसीलिए आप लोग थैंक गॉड की एक अच्छी सी एंटरटेनिंग सी फुल ऑन कॉमेडी स्टोरी देखने के लिए हो जाइए तैयार। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कह रहे थे कि वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो जनता को थिएटर्स के पास खींच के ले आए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर ये भी दे दूं कि हमें इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करती नजर आने वाली है नोरा फतेही। जी हाँ दोस्तों, वैसे किस गाने पे आखिर वो अपना कातिलाना अंदाज दिखाएंगी पता है आप लोगों को?
अरे नहीं भी पता है तो मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। दरअसल लॉकडाउन में जो एक गाना फेमस हुआ था मन के मगा हिते, जी हाँ, जिससे सिंगर युहानी भी काफी पॉपुलर हो गई थी। भैया गाना फुल ऑन ट्रेंड किया था। दोस्तों आप सोचिए जरा, इस गाने के बॉलीवुड वर्जन पे हमें नोरा फतेही अपने जलवे दिखाती हुई नजर आए। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। अब जिस तरीके से नोरा फतेही लोगों की नजरों पे छा रही है, उससे तो यही लगता है कि उनका फिल्म में होना फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे खबरें तो ये भी है कि इस गाने में हमें नोरा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आ सकते हैं नजर। अब सिद्धार्थ के पीछे तो लड़कियां वैसे ही दीवानी है, तो जरा सोचिए ना इन दोनों की ये जोड़ी मिलकर आखिर क्या धमाल मचाएगी फिल्म में। वैसे आप लोग ज्यादा मत सोचिए, बस इंतजार कीजिए 24 अक्टूबर का, जी हाँ, दिवाली का वो मौका जहां आप लोग थैंक गॉड की टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। क्या छाएंगे श्रीलंकन गाने के बोल अब बॉलीवुड में भी, कितने पैसे लग रहे हैं फिल्म को बनाने में। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मुंबई 19 अक्टूबर श्रीलंका की सिंगर योहानी के लोकप्रिय गीत मानी के मगे हिते का हिंदी वर्जन तैयार होगा, जो अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड के लिए फिल्माया जाएगा। ओरिजिनली सिंहली भाषा में 2020 में आए इस गाने को सतीशन रत्नायका ने गाया है। पिछले साल गाने के कंवर वर्जन को योहानी और सतीशन ने गाया और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये गाना छा गया। फिल्म निर्माताओं के अनुसार गीत के विदेश हिंदी वर्जन के लिए तनिष्क बागची संगीत देंगे और रश्मि विराग गाने को बोल लिखेंगे। थैंक गॉड का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और भूषण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। योहानी ने कहा है कि भारत से बेहद प्यार और सपोर्ट मिला है और उन्हें गाने के नए वर्जन का इंतजार है। गायिका के बयान ने कहा, मैं भूषण कुमार, इंद्र कुमार और थैंक गॉड की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जो फिल्म में मेरे गाने को हिंदी वर्जन में पेश कर रहे हैं। मैं जल्द ही भारत आऊंगी। आगे भूषण कुमार ने कहा कि मानी के मगे हिते का हिंदी वर्जन गायिका के फैंस को उत्साह से भरने वाला होगा। आपको बता दें कि हिंदी वर्जन गाने में जैकलीन और सिद्धार्थ मल्होत्रा हमें नजर आने वाले हैं। वैसे फिल्म में मेन स्टार कास्ट के तौर पर हमें रकुल प्रीत, अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। अब कहानी में इतने बड़े किरदार और ऐसे म्यूजिशियन और सिंगर का होना फिल्म में चार चांद तो लगाएगा ही। साथ ही अगर फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 80 से 100 करोड़ का बताया जा रहा है और इतने कम बजट की फिल्म के लिए भी इस फिल्म में दो या तीन नहीं, इससे भी कई ज्यादा प्रोड्यूसर हैं, जिसमें भूषण कुमार, अशोक ठकेरिया, कृष्णा कुमार, दीपक मुकुट, यश शाह और मरकंड अधिकारी शामिल है। फिल्म इसी साल 29 जुलाई को बड़े पर्दे पर आने वाली है। तो आप सभी कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। कब रिलीज होने जा रही है? हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों कोरोना के बाद बॉलीवुड में लगातार फिल्मों की बौछार हो रही है, मतलब कि एक से बढ़कर एक फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो रही है। और अब आपको बता दें कि थैंक गॉड की भी रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं इंद्र कुमार, जो कि अजय देवगन के साथ बहुत सारी फिल्में दे चुके हैं। इश्क जैसी हिट फिल्म दी थी, उसके बाद दिल, बेटा, राजा, ऐसी सुपर हिट फिल्में बनाई हैं उन्होंने।
वहीं आपको बता दें ये फिल्म एक सोशल कॉमेडी फिल्म है जिसमें अजय देवगन यमराज की भूमिका निभाने वाले हैं। इससे पहले संजय दत्त वाह लाइफ हो तो ऐसी में यमराज बन चुके हैं। माना जा रहा है कि अजय देवगन का ये किरदार कहीं ना कहीं ओ माई गॉड में अक्षय कुमार के भगवान श्री कृष्ण के रोल से प्रेरित है। फिल्म से अजय देवगन का लुक बाहर आ चुका है जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। दिलचस्प बात यह है कि अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर इस दशक की शुरुआत तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से की थी। वहीं मेहमान भूमिका में ही सही लेकिन उनकी दूसरी फिल्म सूर्यवंशी भी ब्लॉकबस्टर हिट है। ऐसे में अजय देवगन के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से भी काफी उम्मीदें जताई जा रही है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक कॉप बने हुए हैं। जब फिल्म से उनका ये लुक बाहर आया तो सिद्धार्थ ने इसे शेयर कर लिखा था, रोहित शेट्टी सर से मिलने का वक्त आ गया है। रोहित शेट्टी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि नाम भी एस से है। रोहित शेट्टी के सभी कॉप हीरो का नाम एस से शुरू होता है। नाम है सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी। लेकिन ये मजाक की बात सच में बदल चुकी है क्योंकि रोहित शेट्टी नेटफ्लिक्स के लिए एक कॉप सीरीज बना रहे हैं जिसका हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म में रकुलप्रीत सिंह का किरदार काफी अलग होने वाला है, वो सिद्धार्थ के अपोजिट होंगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रकुल सिद्धार्थ एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। वो अय्यारी और मर जावा जैसी फिल्मों में भी एक दूसरे के अपोजिट नजर आ चुके हैं। वहीं रकुल के साथ अजय ने भी फिल्म कर ली है। रकुलप्रीत सिंह की आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी बेहतरीन है। थैंक गॉड के अलावा वो दो सोशल कॉमेडी करने वाली है, पहली आयुष्मान खुराना के साथ डॉक्टर जी जिसमें एक पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट की कहानी दिखाई जाएगी। वहीं छतरी वाला नाम की फिल्म में रकुल एक कॉन्डम टेस्टर की भूमिका निभाने वाली है। इसके अलावा वो अक्षय कुमार की फिल्म मिशन सिंड्रेला में भी अहम भूमिका में है। इन चार फिल्मों के साथ ही रकुलप्रीत सिंह जॉन अब्राहम की अटैक और अजय देवगन की मेरे में भी नजर आने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धार्थ भी शेरशाह की सफलता के बाद रातों रात स्टार बन चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो इस फिल्म का हाल भी विकी कौशल की उरी जैसा होता। ऐसे में अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की टीम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता दिला सकती है। खबरें हैं कि कोरोना की वजह से फिल्म को काफी नुकसान भी हुआ है। अब देखना होगा कि फिल्म कितना कमाल दिखा पाएगी। फिल्म की रिलीज डेट की बात कर लें तो ये फिल्म 29 जुलाई 2022 को रिलीज हो रही है। तो आप कितना वेट कर रहे हैं थैंक गॉड का नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। अजय देवगन के नए लुक ने ऐसे फैंस को दीवाना बना। आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सनिका जयाल। दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पे अजय देवगन की दाढ़ी वाले लुक वाली जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। वहीं अब जो अजय देवगन की नई तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन ने ये लुक फिल्म थैंक गॉड के लिए रखा है। सोशल मीडिया पर फैंस इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही फिल्म थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और जिसमें अजय देवगन गॉड यानी कि भगवान की भूमिका नजर आएंगे। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह भी इसमें नजर आने वाली है। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह दिखता है। इस फिल्म को भूषण कुमार और यश शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती टोटल धमाल जैसी हिट फिल्म में दी। आपको बता दें इस फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस वाले की भूमिका में है। तो आपको कितना इंतजार है थैंक गॉड का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की किसी भी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा।
शॉट से अजय देवगन के नए लुक ने कैसे फैंस को दीवाना बना दिया है। क्या होने वाली इस फिल्म की खास बातें, कब ये रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्रास स्टूडियोज। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पे अजय देवगन की दाढ़ी वाले लुक वाली जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। वहीं अब जो अजय देवगन की नई तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन ने ये लुक फिल्म थैंक गॉड के लिए रखा है। सोशल मीडिया पर फैंस इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही फिल्म थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और जिसमें अजय देवगन गॉड यानी कि भगवान की भूमिका नजर आएंगे। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह भी इसमें नजर आने वाली है। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह दिखता है। इस फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी, लिहाजा इस फिल्म से भी काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। अजय देवगन के इस लुक को देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। अजय देवगन ने काफी कम फिल्मों के लिए ही अपने लुक से छेड़छाड़ की होगी। वो हमेशा मतलब सेम ही लुक में नजर आते हैं लेकिन स्टनिंग लगते हैं। तो बता दें, साल की शुरुआत जो हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत की थैंक गॉड की शूटिंग से ही हुई थी, फिर कोविड की वजह से शेड्यूल गड़बड़ा गया। आपको बता दें, इस फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस वाले की भूमिका में है। इन दिनों अजय देवगन के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं, किसी में प्रोड्यूसर तो किसी में निर्देशक बने हुए हैं। तो आपको कितना इंतजार है थैंक गॉड का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की किसी भी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। क्या अजय देवगन ने शुरू की थैंक गॉड की शूटिंग। क्या होने वाली है थैंक गॉड की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं सोनिका जाट। तो अभिनेता अजय देवगन इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें फैंस छोटे गांव और कस्बों तक में फॉलो करते हैं। 90s के दशक से लेकर आज तक अजय देवगन के स्टाइल ने फैंस को दीवाना बनाकर रख दिया। हालांकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं अजय देवगन का वो लुक जिसको देखकर फैंस बहुत ज्यादा हैरान रह गए और ये जमकर वायरल हो रही है। यहां तक कि फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि अजय देवगन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि आज तक अजय को ऐसे लुक में कभी नहीं देखा गया। ऐसे सभी फैंस को हम बता दें कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। असल में अजय देवगन का ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड के लिए है। और सब जानते हैं कि अजय देवगन अपने किरदारों के लिए किस हद तक चले जाते हैं, और एक बार उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री के सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक है और कॉम्प्रोमाइज करने में पीछे नहीं हटते। हमेशा वो अपने लुक्स के साथ जैसा लुक चाहिए वैसा वो रख देते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिल्म थैंक गॉड में अजय देवगन के साथ कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। इसका निर्देशन इंद्र कुमार कर रहे हैं, जो कि अजय देवगन के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। कुछ दिनों पहले ही अजय देवगन और इंद्र कुमार की टोटल धमाल रिलीज हुई थी, जिसने काफी अच्छा कारोबार किया था। और वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन ने हाल ही में अपनी फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया की रिलीज डेट का ऐलान किया है, जो 13 अगस्त को ODD प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। और इसमें अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर जैसे धमाकेदार कलाकार नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की थैंक गॉड का, जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें, अजय देवगन RRR में नजर आने वाले हैं। बहुत ही अहम भूमिका उनकी इस फिल्म में होने वाली है और RRR में जो उनका रोल है वो अहम है, क्योंकि वो मार्गदर्शन करेंगे लीड एक्टर्स का, जो कि इसमें जूडी रेंथियार और रामचरण है, और इन दोनों को गाइड करते हुए नजर आएंगे इसमें अजय देवगन। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय की फिल्मों का, थैंक गॉड का आपको कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियो। क्या
अजय देवगन ने शुरू की थैंक गॉड की शूटिंग। बैक टू बैक किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं अजय? क्या होने वाली है थैंक गॉड की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में कई फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन मार्च आते आते लॉकडाउन लग गया और फिर से सब अटक गया। इन्हीं फिल्मों में शामिल है थैंक गॉड। साल की शुरुआत में ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत की थैंक गॉड की शूटिंग शुरू की थी और फिर कोविड की वजह से शेड्यूल टलती गई। बहरहाल अब अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह बनाया गया है। सूत्रों की माने तो फिल्म में अजय देवगन गॉड का किरदार निभा रहे हैं। थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को भूषण कुमार और यश शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती और टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी है और इस फिल्म से भी कई उम्मीदें जताई जा रही है। आपको बता दें, इन दिनों अजय देवगन के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। कुछ फिल्मों से वो बतौर एक्टर जुड़े हुए हैं तो कुछ का वो निर्देशन भी कर रहे हैं, कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आपको बता दें, उनकी आने वाले टाइम पे बहुत सारी फिल्में हैं। इनका नाम अगर मैं बताऊँ आपको तो तेलुगु हिट फिल्म नांधी का हिंदी रीमेक वो करने वाले हैं दिल राजू के साथ। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया उनकी आने वाली है। हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने धमाका मचा के रख दिया और ट्रेलर जितनी बार आप देखोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी कूट कूट कर देशभक्ति भरी है। वहीं मैदान में वो दिखेंगे जिसमें सैयद अब्दुल रहीम का किरदार करेंगे जो कि फुटबॉल कोच थे और ट्रिपल आर से तो धमाका मचाने को तैयारी है। द ग्रेट डायरेक्टर SS राजामौली के साथ वो ये फिल्म बना रहे हैं। फिर वो मेले में दिखेंगे जिसमें वो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर रहे हैं और पहली बार अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डिजिटल डेब्यू भी करने वाले हैं रुद्रा से और अजय देवगन ने निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गोबर भी करने का फैसला किया है और गोबर में वो खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं कैथी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे और इसके अलावा चाणक्य, गंगूबाई काठियावाड़ी, मतलब कि फिल्मों की लाइन लगी हुई है। बस इंतजार है तो फटाफट ये शूट खत्म हो। फिलहाल आप हमें बताइए थैंक गॉड का आपको कितना वेट हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अजय देवगन ने शुरू की थैंक गॉड की शूटिंग। बैक टू बैक किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं अजय? क्या होने वाली है थैंक गॉड की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में कई फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन मार्च आते आते लॉकडाउन लग गया और फिर से सब अटक गया। इन्हीं फिल्मों में शामिल है थैंक गॉड। साल की शुरुआत में ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत की थैंक गॉड की शूटिंग शुरू की थी और फिर कोविड की वजह से शेड्यूल टलती गई। बहरहाल अब अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है जो स्वर्ग की तरह बनाया गया है। सूत्रों की माने तो फिल्म में अजय देवगन गॉड का किरदार निभा रहे हैं। थैंक गॉड एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में सिद्धार्थ एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को भूषण कुमार और यश शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले अजय देवगन के साथ इंद्र कुमार ने इश्क मस्ती और टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में दी है और इस फिल्म से भी कई उम्मीदें जताई जा रही है। आपको बता दें, इन दिनों अजय देवगन के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। कुछ फिल्मों से वो बतौर एक्टर जुड़े हुए हैं तो कुछ का वो निर्देशन भी कर रहे हैं, कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आपको बता दें, उनकी आने वाले टाइम पे बहुत सारी फिल्में हैं। इनका नाम अगर मैं बताऊँ आपको तो तेलुगु हिट फिल्म नांधी
का हिंदी रीमेक वो करने वाले हैं दिलराजू के साथ। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया उनकी आने वाली है। हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने धमाका मचा के रख दिया और ट्रेलर जितनी बार आप देखोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी कूट कूट कर देशभक्ति भरी है। वहीं मैदान में वो दिखेंगे जिसमें सैयद अब्दुल रहीम का किरदार करेंगे जो कि फुटबॉल कोच थे और ट्रिपल आर से तो धमाका मचाने को तैयारी है। द ग्रेट डायरेक्टर SS राजामौली के साथ वो ये फिल्म बना रहे हैं। फिर वो मेले में दिखेंगे जिसमें वो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर रहे हैं और पहली बार अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डिजिटल डेब्यू भी करने वाले हैं रुद्रा से और अजय देवगन ने निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गोबर भी करने का फैसला किया है और गोबर में वो खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं कैथी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे और इसके अलावा चाणक्य, गंगूबाई काठियावाड़ी, मतलब कि फिल्मों की लाइन लगी हुई है, बस इंतजार है तो फटाफट ये शूट खत्म हो। फिलहाल आप हमें बताइए थैंक गॉड का आपको कितना वेट हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।